हाँ सॉरी मैं भी हूँ। क्लास ओवर हो जाएगी, आपका टाइम नहीं दे सकता है, आप वहाँ के भेज दीजिए छुट्टी, तो वो बच्चों को समझ में आएगा कि हमारी क्लासेस छूट जाएंगी। वाइस देखिए जाइए आप चाहिए आप बोलिए छुट्टी आएगा। हाँ बोलिए लाउड करिए। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट इवन नंबर ऑड नंबर नेशनल नंबर और होल नंबर इन दिस एंड आल्सो रेशनल नंबर। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। व्हेन वी डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर वी गेट थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है आपका कम्यूटेटिविटी एंड थर्ड है आपका एसोसिएटिविटी। ठीक है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी एड आर ड्यूरिंग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड नेशनल नंबर वी गेट आल्सो रेशनल नंबर। इन सब्सट्रैक्शन इफ वी सब्सट्रैक्ट वन रेशनल नंबर टू अदर रेशनल नंबर वी आल्सो गेट रेशनल नंबर। सेम इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, इफ वी मल्टीप्लीकेट टू रेशनल नंबर वी आल्सो गेट रेशनल नंबर। इफ वी डिवाइड टू रेशनल नंबर वी आल्सो गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है, बिफोर वी गेट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर सम एग्जाम्पल्स ऑफ होल नंबर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो इंटीजर्स वी हैव सीन इन बैक क्लास, बट आई वॉन्ट टू वी ऑल्सो गेट इम्पॉर्टेंस ऑफ होल नंबर्स अंडर इंटीजर्स प्रॉपर्टीज एंड होल नंबर्स। फर्स्ट आया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, फर्स्ट आपका एडिशन ए, इफ वी एड जीरो प्लस फाइव इक्वल टू वी गेट फाइव। हियर जीरो इज आल्सो होल नंबर, फाइव इज आल्सो होल नंबर, वी गेट फाइव विच मीन्स इट इज आल्सो होल नंबर। सो वी से दैट अंडर एडिशन होल नंबर इज क्लोज। ठीक है, सेकेंड आपका है सबस्ट्रैक्शन। ठीक है, इफ वी सबस्ट्रैक्ट अ होल नंबर इन होल नंबर वी आल्सो गेट इफ होल नंबर, सो वी से दैट आवर होल नंबर इज क्लोजर अंडर सबस्ट्रैक्शन। इफ वी नॉट गेट होल नंबर दैट मीन्स दैट इज नॉट क्लोजर अंडर सबस्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if we get 5 minus 7, 5 minus 7, we get minus 2. Here we see that 5 is our whole number, 7 is also whole number, but minus 2 is not a whole number. It is belonging to integer. For example, if we draw a number line, we get 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Here we get whole number. But if we go there,
we get minus value which is belonging to integers. So we say that whole number is not closure under subsection. ठीक है. थर्ड आपका है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन ठीक है. If we add if we multiply a whole number and also whole number, if we get a whole number, so we say that it is closure under multiplication. For example, 0 cross 3 is equal to, and also 3 cross 7, we get so we say that whole number are closed under multiplication. ठीक है. लास्ट आपका है डिविजन. इफ we get two whole numbers and we divide, if we also get a whole number, then division is also closed under whole number. If we not get a whole number, so we say that whole number is not closure under division. For example, in your book we get 5 divided by 8, or also we write 5 divided by 8. Here we get not a whole number, so say that whole number is not closure under division. ठीक है. Second आपका आता है integers. क्या है integers? ये closure property किसके अंदर थी? Whole number के अंदर. अब हम किस पे देखेंगे? Integers पे. ठीक है. फर्स्ट आपका सेम जैसे हम लोगों ने होल नंबर में डन किया, सेम हम डन करेंगे इंटीजर्स में. फर्स्ट आपका एडिशन प्रॉपर्टी, सेकेंड सबस्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट आपका डिवीजन. ठीक है. फर्स्ट है एडिशन. If we take -6 + 5, we get -1. Done. As -1 is also integer, here we say that if we take integer plus adding another integer, we also get an integer. So integer are closed under addition. Same under subtraction. If we subtract two integers, for example 7 - 5 = 2, or 5 - 7 = -2. Here we see if we subtract 7 - 5, we get 2, which is integer. And also if we subtract 5 - 7,
we get minus 7 minus 2, which is also integer. So we say that in integers, if we subtract two integers, we also get a integer. So integers are closed under subtraction. Third है आपका multiplication. Third है आपका multiplication. If we choose two integers such as 6 multiplied by 5, we get minus 30. And also in your book, 5 multiplied 8, we get 40. And also minus 5 multiply 8 is equal to minus 40. In these three examples, we see that 6 is our one number, is our integer. Second number minus 5 is also integer. And our answer which get is also a integer. So we say that in this, yeah, here we get integer multiplication of two integers, we have get also integers. So during integers, yeah, in integers we get close under multiplication. Last है आपका division. If we divide 5 by 8, we get 5 by 8, which is not integer. So we say that division of integers is not closed. See? Same during decimal number, we find what about addition, what about subtraction, what about multiplication, and what about division. As we know that the definition of rational number is a number which can be written in form of P upon Q, where Q is not equal to 0, and also P and Q are integers. It means P and Q की value जो होगी वो minus side भी हो सकती है या positive side भी हो सकती है. It means if we draw line, number lines, we can choose P as minus 3 or 3, minus 2 or 2, minus 1 or 1. It means both sides. If we increase our line in right side or left side, we get P is anything. But here a condition for Q, we take from minus 1 to so on and plus 1 to so on, but not choose to 0. It is our rational number. Any number which can be written in form of P upon Q. Here P is numerator and Q is denominator.
ठीक। अब वी चेक व्हाट अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी अबाउट रेशनल नंबर। इफ वी हैड थ्री बाई एट प्लस माइनस फाइव बाई सेवन, वी गेट माइनस 19 अपॉन 56। इट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना? इट इज अवर वन फ्रैक्शन, इट इज अवर सेकेंड फ्रैक्शन, बट इट इज ऑल्सो अवर इंटीजर। वी गेट ऑल्सो अ इंटीजर माइनस 19 अपॉन 56। हियर पी इज इक्वल टू, here we say that p is equal to minus 19 and q is equal to 56, both are integers, and also q is not equal to 0. So if we are adding two rational numbers, for example 3 by 8 plus minus 5 by 7, we get minus 19 upon 56. It is also an integer rational number. So we say that rational number is closure under addition. Done. Same if we do subtraction of two rational numbers, if we get also a rational number, so we say that rational number is also closure under subtraction. For example, आपकी बुक में दिया है माइनस फाइव बाई सेवन माइनस टू बाई थ्री, वी गेट माइनस 29 अपॉन 21। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, वी गेट माइनस 29 अपॉन 21। This is a subtraction of two rational number, first rational number and second rational number. If we subtract two rational numbers, we also get a rational number so we say that rational number is closed under subtraction. Here we get the value of p is equal to minus 29 and q equal to 21. It means q is not equal 0. Done. आगे चलते हैं, आपका क्या है एडिशन। सेम हियर, if we get two rational numbers and if we multiply them, if we also get a rational number, so rational numbers are closer in multiplication. For example, in your book minus 2 upon 3 multiplied 4 upon 5, we get minus 8 upon 15. Here our first rational number is minus 2 by 3 and second is 4 by 5. We get minus 8 upon 15. It is also a rational number. Here p is equal to minus 8 and q is equal to 15. As q is not equal to 0, so it is also a rational number. So we say that under multiplication, rational number is also closed. But when we go for division, for example in your book
टू बाई सेवन डिवाइड बाई फाइव बाई थ्री, ठीक है, टू बाई सेवन डिवाइड बाई फाइव बाई थ्री. हियर वी गेट टू बाई सेवन मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, थ्री बाई फाइव. यहाँ हमने क्या कह दिया, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, टू थ्री जा सिक्स, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव. ये क्लियर है, ये है आपका डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन इज सेम, कन्वर्ट डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन एट डोमिनेटर इज डिनोमिनेटर एंड डोमिनेटर इज नोमिनेटर, ठीक है. वी गेट सिक्स अपॉन थर्टी फाइव हियर, पी इज इक्वल टू सिक्स एंड क्यू इज इक्वल टू थर्टी फाइव, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. सो वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बट हियर इज बुक में आपके कंडीशन दी गई है. वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर ए, ए डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. हाउ हियर इफ वी इंक्लूड एक्सक्लूड जीरो देन द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बिकॉज द डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो सजेस्टिंग क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन. आप लोग के यहाँ देखिए ये बना है, क्या कहते हैं, ट्राई दिस फिलिंग द ब्लैंक्स. जो चार्ट बनी है, फर्स्ट दी गई है रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर, सेकेंड आपका इंटीजर्स दिया गया है, ये आपको प्रिपेयर करनी है. अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए, कम्यूटेटिविटी के लिए. COMM कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी मीन्स if we add a plus b, if we get c, it means if we also add b plus 1, it is also a c, or a plus b equals b plus a. This is a simple definition of commutativity, means if we interchange the numbers, if a whole number then whole number, if you integer then integers, or if a rational number is rational number, and also if a natural number, then the a plus b equal b plus 1. For example, 1.1.2 aapka idea hai book mein. Recall the commutativity of different operations or whole numbers by filling the following table. If we add 0 plus 7 or 7 plus 0, for example, 0 plus 7 or 7 plus 0, we also get 7. It means here a is equal to 0, b is equal to 7. But here we get b is before a. And in both condition, our number is, or say that our answer is same. So we can say that commutativity of two whole numbers is, it is done, or addition is commutative. ठीक है.
सेम सबस्ट्रक्शन करेंगे बट अंडर सबस्ट्रक्शन आवर रिजल्ट विल चेंज. सो वी कैन से दैट सबस्ट्रक्शन अप टू होल नंबर्स इज नॉट अ कम्यूटेटिव. सेम मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, सेम डिवीजन हो जाएगा. अब हम सेकेंड चेक करेंगे अपना इंटीजर्स का. जैसे कि आपके बुक में दिया गया है एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव दिखा रहा है, बट सबस्ट्रक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. अब हम क्या करते हैं अपना रेशनल नंबर चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिया है आपका माइनस टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सेवन इज इक्वल टू वी कैन चेक इन फॉर रेशनल नंबर माइनस टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सेवन इक्वल होना चाहिए हमारे किसके, फाइव बाई सेवन प्लस माइनस टू बाई थ्री के. हियर वी गेट and also we get here 1 by 21 and here also 1 by 21. So we can say that under rational number commutativity is done. Clear? Here we say that our a is here and b is here. We get c is 1 by 21. And also if b plus a done, we also get c 1 by 21. 1 by 21. Which means here we get a plus b is equal to c. And also b plus a is equal to c. So we say that rational number is also additive in commutative. Yeah, rational number में क्या कहते हैं आपका commutative properties addition में होता है. But in subtraction we that our c is changed. If we change the position of a plus b, our answer is changed. Or say that our answer are not matching. So subtraction is not possible in rational number. ठीक है? During commutativity. For example, आपके book में दिया है 2 by 3 minus 5 by 4 is equal to 5 by 4. 2 by 3 minus 5 by 4 equal 5 by 4 minus 2 by 3. Here we get 12 LCM ho jayega. 8 minus 7 by 12 and 8 minus 15 2 plus 5 7. Here we get c is equal to minus 7 by 2 and 7 by 12 and 7 by 12, which differ are different. So we say that the subtraction of two rational numbers is not commutative. ठीक है? Same है आपका multiplication change करना है हमको.
मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। जैसे कि हमारा एडिशन हुआ था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन का रेशनल नंबर का। इफ वी गेट रेशनल नंबर ए इक्वल टू वन बाई टू बी इक्वल टू थ्री बाई टू देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। सो वी से दैट रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव इन अंडर मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल आपको दिया गया है माइनस सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाई सिक्स बाई फाइव इक्वल टू माइनस फोर्टी अपॉन फिफ्टीन एंड ऑल्सो इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन सिक्स बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन बाई थ्री वी ऑल्सो गेट माइनस फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन। सो वी से दैट रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेम इफ वी डन डिविजन we get that the values of c are a divided by b is not equal to b divided by a. So we say that division under commutativity is not done. Same जैसे first chart दिया गया था आपका closure के लिए same हमको define करना है commutativity के लिए। first आपका rational number है, second integers है, third whole number है, fourth आपका natural number है। ये आपको घर पे डन करना है। थर्ड आता है आपका एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मीन्स इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या होता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी को जानने के लिए हमें जाना है जरूरी कि बी एट ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी तो ये हमारा जो होना चाहिए इसका जो रिजल्ट होना चाहिए ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका है एडिशन होल नंबर का एडिशन इज एसोसिएटिविटी। अब हमको इसको एग्जाम्पल के थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल ए बी टेक वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री सी इक्वल टू फोर हियर वी आल्सो गेट ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू बी इक्वल टू थ्री एंड सी इक्वल टू फोर हियर वी गेट टू प्लस सेवन फाइव प्लस फोर सेवन प्लस टू इक्वल टू नाइन एंड फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन। वी से दैट अंडर होल नंबर एसोसिएटिविटी इज डन। सेम सबस्ट्रैक्शन है, सबस्ट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिफाइन नहीं करेगा। क्या कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। सेम है आपका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस मल्टीप्लाई सी इक्वल हो जाएगा हमारे किसके ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव इट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, सेवन मल्टीप्लाई टू फाइव जा टेन सेवन टू जा फोर्टीन मल्टीप्लाई फाइव सेवन टेन जा सेवेंटी
14 5s are also 70. Both are equal, so we say that whole number is associative under multiplication. But division is not also done, so we say that associativity of whole numbers is not done under division. ठीक है, सेम है आपका इंटीजर्स का. इंटीजर्स में आपको एसोसिएटिविटी दिखाई गई है. एंड क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिविटी एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएट. अब वी चेक अबाउट द एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल ए -2/3 +3/5 -5/6. Here we get -9/10. And also if we interchange the position of bracket, we also get -10/9/10. So they are equal. So we say that rational number is associativity under addition. Same आपका दिया गया है subtraction. For example दिया गया -3/3 माइनस इन ब्रैकेट -4/5 -1/2 इज नॉट इक्वल टू आर. इसमें डिफाइन किया गया इक्वल, लेकिन जब हम करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी. सो वी सेड दैट सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर. सेम डन वी फॉर मल्टीप्लीकेशन. Then we observe that the multiplication is associative for rational number. Or we say that A multiply B multiply C is equal to in bracket A multiply B whole multiply C. Same we get in division, not associativity is done. So we say that rational number are not associative under division. Same हम लोग को chart बना है. जिसे हम लोग को क्लोजर में मिला था, फिर कमोटिविटी मिला था, लास्ट आपको एसोसिएटिविटी मिल जाएगा. फर्स्ट आपका रेशनल नंबर, सेकेंड इंटीजर, थर्ड होल नंबर एंड फोर्थ नेचुरल नंबर. ये आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, सेव दैट कर सकते हैं. ये आपका है जो होमवर्क है. ठीक है, फाइंड 3/7 -6/11 -21 +5/21. It is just like our addition of our fraction. जैसे कि आप लोग को पिछली कक्षाओं में बताई गई थी, ये addition इसको डन करना है. इसका है -125/40 462. Note that 462 is our LCM of 7, 11, 21 and 22. LCM process आपको आता ही है, इसको आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, we can also solve it. 3/7 by using commutativity and associativity. अब क्या कह रहे हैं, उसी फोर्थ नंबर्स को हम क्या करते हैं, commutative या associativity लाके we also get -120/5/462. Do you think the properties of commutativity and associativity made the calculation easier? The conclusion of this example is कि by helping of commutativity and associativity we get our answer simply, or क्या कहते हैं, using properties of commutativity and associativity made our calculation easier. ठीक है, same है आपका example 2. Find -4/5 -3/7 -15/16 -14/9. We have ये answer आपका आएगा 1/2. We can also then using commutativity and associativity we also get 1/2. So we can also show that the properties of commutativity and associativity we get our calculation is more easier. ठीक, the role of zero. Look the following. 2 + 0 is equal to 0 + 2. Addition of whole number
addition of 0 to a whole number is also closed. Addition of 0 to an integer, we also get integers. Addition of 0 to a rational number, we also get a rational number. You have done such addition easier also. Do a few more such additions. A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. B plus 0 is so on integers. 0 is called identity for the addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole number as well. Here in example question pucha tha aap log ko, 0 is defined in are defined as a identity. Yes, we can say that 0 is identity we need. Additive identity and also a whole number. ठीक है, the role of 1, multiplication of 5 multiplied by 1 is equal to 5, or 1 multiplied by 5 multiplication of 1 with a whole number. Or we can say that if we multiply 1, the closure property is done in whole number. Same in rational number, same in integers. You will find the that when you multiply any rational number with 1, you get back that rational number as a dot product. Check this for a few more rational numbers. You will find that A multiply 1 equal 1 multiply A is called A. A for any rational number. We say that A is multiplicative identity for rational number. Is 1 the multiplicative identity for integers? Done. Think, discuss and IT आपका next chapter से next day से चलेगा, ठीक है, done.